भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने अब की बार 400 पार के नारे के साथ खजुराहो लोकसभा से दावेदारी करते हुए नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रहलाद पटेल, सांसदीय क्षेत्र के 8 विधानसभाओं के विधायक सहित कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए। आपको बता दें कि नामांकन दाखिल करने से पहले स्थानीय नजरबाग मैदान में विशाल आम सभा को संबोधित करने के बाद शहर से रैली निकाली गई और इसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर और कलेक्टर सुरेश कुमार के सामने नामांकन दाखिल किया गया। वही सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और विष्णुदत्त शर्मा ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन लोगों को गुमराह कर रहा है। पन्ना से अनूप शुक्ला की रिपोर्ट। उसका नामांकन हमारे प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी बीडी भैया का इस बात का संकेत है कि मध्य प्रदेश की धरा पर हर लोकसभा क्षेत्र में कमल का फूल खिलने की तैयारी में है। इस लोकसभा सीट से विशेष कांग्रेस का ना लड़ना ही इस बात का संकेत है कि कांग्रेस ने चुनाव का वोट डलने से पहले ही इस क्षेत्र में अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। मध्य प्रदेश के संगठन को कांग्रेस की पार्टी ने चुनौती विधानसभा में भी दी और ऐतिहासिक जीत हमारे कार्यकर्ताओं ने दर्ज कराई। आज उसी निष्ठावान कार्यकर्ता के बल पर हम बूथ बूथ जाकर जनता जनार्दन से नरेंद्र मोदी के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। मैं मेरी भैया को न सिर्फ उनकी अपनी लोकसभा क्षेत्र की बल्कि पूरे प्रदेश में और देश में जीत की अग्रिम बधाई पहले से ही दे रही हूँ। हमारी पार्टी में हमारे वरिष्ठ नेता प्रहलाद भैया भी आज यहाँ उपस्थित हैं। बड़ों का सानिध्य, छोटों का स्नेह और सहयोग और जनता का भरपूर आशीर्वाद यही सुनिश्चित करेगा कि अब की बार होंगे 400।